तो प्रोजेक्ट आइडियाज़ की बात हो रही थी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं सब थीम 3 को। आइए डिस्कस करते हैं। ये लिस्ट है पूरी फोकल थीम्स की, हर 2 साल में सेम रहती है। इवन जब चेंज भी होती है तो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती है, आप देख लेना, काफ़ी सारी आपको सिमिलरिटीज़ मिल जाएंगी। यानी कि पहले कभी आपने स्टडी कर रखी है, पहले कभी आपने प्रोडक्ट बना रखा है, पहले का आपका कोई एक्सपीरियंस है, पहले की कोई एक्टिविटी गाइड अवेलेबल है, पहले के कुछ वीडियोज़ अवेलेबल है, तो आप उसको देख करके वो करके सारा कुछ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत आपको बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस साल की जो थीम है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, और उसके अलावा ये आपकी सब थीम से हम एक एक करके उनके प्रोजेक्ट आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आज बारी है सब थीम 3 इसकी, करते हैं चलिए इसकी बात। ये है स्कूल लेवल, 20 तारीख तक होगा, उसी की तैयारी कराई जा रही है आपको। ये भाई सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेज फॉर इको सिस्टम एंड हेल्थ, और उसके बारे में छोटी छोटी बातें, इको सिस्टम क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, इसको छोड़कर सीधा आइडियाज़ पे आते हैं, वो बेटर रहेगा। ये सब आपको मिल जाएगा मटेरियल, ठीक है ना, छोड़ते हैं इसको, मेन चीज़ पे आते हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज़। तो प्रोजेक्ट आइडियाज़ की बात करूँ तो सब थीम 1 ईजी रही काफ़ी, नहीं ईजी नहीं रही, ठीक ठाक रही। 2 काफ़ी ईजी रही, ठीक को देखते हैं कैसे किस लेवल के से प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस लीडिंग टू नॉन केमिकल फार्मिंग, इस पे आप बना तो सकते हो, तो आपको इंटरनेट पे रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर अगर आप आपके आसपास में कोई गांव वगैरह है आप विजिट कर सकते हो, या आपको पता है, या आप टेलीफोन की बात कर सकते हो, तो आपको पता लगेगा कि ऐसे कौन कौन सी सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से आपको कम से कम केमिकल, नॉन केमिकल फार्मिंग का ना वो यूज़ करनी पड़े, विद रेस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देखो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, आपकी जो क्रॉप वगैरह होती है एग्रीकल्चर में, उसमें मानो कि गेहूं के ग्रेन्स, वीट के ग्रेन्स, तो ग्रेन्स अच्छी क्वालिटी के हों, उनमें न्यूट्रिशन अच्छा हो, नंबर ज़्यादा हो, वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो आप क्या करोगे उसमें, वर्मी कंपोस्ट का आपने यूज़ करा, जो है मेन्योर का आपने यूज़ करा, तो वो अच्छा लगेगा। तो ये एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस हो गई जो आप करते हो ताकि आपकी जो है इम्प्रूव रहे। उसके अलावा आपने टाइम नहीं किसी फेस्टिवल में कोई धुआं करा, कोई आपने नीम पाउडर स्प्रे कर दिया, नीम पाउडर, नीम की पत्तियों को जला दिया शिशु की टहनियों को, आपने हल्दी का स्प्रे करा, या कुछ आपने ऐसा करा जो आपकी कल्चरल प्रैक्टिस थी, मतलब आप जब वो टाइम आता है खेती के दौरान तो आप ऐसे करते हो, और उसकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट से आपका आपकी फसल जो बच जाती है। तो ऐसी सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेज की आपको जानकारी है तो आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो, आप उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हो, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। नेक्स्ट है भाई ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एंड लिंकेज टू लोकल इकोसिस्टम। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हम हैं और एनिमल्स हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है उसे समझ लेते हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ का है कि हर चीज़ का, चाहे न्यूट्रिशन है, स्पेस है, उसमें सेम जगह पर अगर ऑर्गेनिज्म रहते तो मैं आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, कॉम्पिटिशन होता ही है। और खैर अभी तो एनिमल्स की अगर आप बात करें तो आप दिल पे हाथ रख के अगर बताओगे तो उनका तो काफ़ी शोषण किया जा रहा है हर लेवल पर, तो खैर क्या ही बताऊँ। तो खैर इस पर आप बना सकते हो, इस वाले पर लैंड यूज चेंजेस कॉजिंग इकोसिस्टम चेंजेस लीडिंग टू, ओहो ये तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। ये इसमें जो है ये है कि भाई जो लैंड है ना उसका क्या यूज़ होता है, हम एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं उसको, या हम रेजिडेंशियल कॉलोनी बना रहे हैं, या हमको इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो जैसे हम उसका यूज़ चेंज करते हैं ना तो वैसे उसका इकोसिस्टम में भी चेंज आता है। मतलब जिस तरीके का यूज़ होगा उस टाइप के प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रोब्स वहाँ पर सर्वाइव करेंगे, और अगर हम ये चेंज करेंगे, हमको पता है चेंज क्यों होते हैं, ज़्यादातर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से होते हैं, तो उससे क्या होता है कि फ्लड वगैरह आ सकती है, या आपको पता ही होगा लैंड स्लाइड वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा साइकिल टूट जाता है। मान लो कि आप नॉर्मल सी चीज़ें प्लांट्स वगैरह होंगे तो वो उनकी रूट जो है सोइल को एंकर कर रखती है, सोइल इरोजन को रोकती है, और जहाँ पर वो होते हैं वहाँ पर बारिश भी होती है और कंट्रोल भी होती है, अगर ट्री वगैरह नहीं होगी तो अनकंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इको सिस्टम से कनेक्टेड है, अच्छा है। क्लाउड ब्रस्ट एंड रिजल्टेड फ्लडिंग, इसके ऊपर आप बना सकते हो, और उसका इको जो है एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट होता है वो आप बता सकते हो। रेन गार्डनिंग फार्म
पॉन्ड्स, इरोजन कंट्रोल मेजर्स, कंटिन्यूस कंटूट, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है। मतलब आपको इनका मतलब अगर पता होगा ना, ये एक चीज़ आ रही है, जब ये इकोसिस्टम वगैरह, तो ये तो आपको इकोसिस्टम वगैरह की कुछ जानकारी हो, आपने क्लास 12th पढ़ रखा हो, 10th पढ़ रखा हो, आपको नॉलेज है तब बना सकते हो। इसलिए ज़्यादातर बच्चे की सब्थीम 2 को चूज़ कर लेते हैं, वो थोड़ा ईजी हो जाता है। हाँ, आपको बस ये टर्म अगर समझ में आते तो बना सकते हो। सीजन वॉच, मैंगो एंड अदर फ्रूट स्पीसीज, ठीक है, ये अच्छा है, ये आप बना, ये इजी है, ये आप बना सकते हो, इस पर आप दिमाग लगाओ, बना रखो, सीजन के हिसाब से बना सकते हो। स्केयर ग्रोस बता दिया मैंने पहले ही, फिर बता देता हूँ स्केयर ग्रोस। अच्छा, पहले क्या बता दिया आपने, वो वीडियो देखना पड़ेगा उसको, उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे पवित्र स्थल वगैरह होते हैं जो होता है कि भाई ये जो है यहाँ पे एक एक पवित्र स्थान है किसी भी धर्म का, वहाँ पर अगर एनिमल्स की हंटिंग है, प्लांट्स को इंटरफेयर वगैरह मना होता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो वो उसके आप स्टडी करो, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये अच्छा ये इजीली बन सकता है ना, और कौन कौन सी प्रैक्टिसेज हैं, ट्रेडिशन है, जो इससे जिनसे फ़ायदा मिल रहा है, मतलब वो उसको प्रोटेक्ट कर, ये एक अच्छी चीज़, ये आप बना सकते हो, बनाए गुड, बहुत अच्छा है, डॉक्यूमेंट किया जा सकता है इसको। सिलेक्टिव एंड कंट्रोल्ड प्रूनिंग ऑफ ट्रीज किया जा सकता है। रोल ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स, इसमें कि ट्रेडिशनल जो गेम्स हैं वो किस तरीके से उसमें हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती है, कैसे कैसे क्या होता है, और वो किस सीजन में कौन से गेम खेले जाते हैं, और कैसे हमारे लिए बेनिफिट होते हैं, अगर है तो आप उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो ये भाई ये गेम्स होते हैं, इंट्रोडक्शन बना सकते हो, इस गेम में ये रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी की इस तरीके की एक्सरसाइज होती है, ऐसा आप बना सकते हो, ये अच्छा और ईजी प्रोडक्ट है, बन सकता है। फ्लड प्रिजर्वेशन, देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए तब बन तो ये भी सकता है, पर इतना इजी नहीं होता, इसमें बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। 9 थोड़ा इजी लग रहा है, 9 पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा बनाने के लिए, हालांकि इसको भी बना सकते हैं आप। ओहो, बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं भाई इस सब थीम में। तो फिशरीज़, सस्टेनेबल फिशिंग कैसे की जा सकती है, सस्टेनेबल क्या होता है कि आपका काम भी निकलता रहे और सामने वाला जो है रिसोर्स है वो एग्जॉस्ट भी ना हो, तो ये तरीका थोड़ा आपको पता ही होगा कि इतना ही एक एक लिमिटेड अमाउंट में अगर हार्म करना, अगर आपको किसी भी एनिमल का कल्चर करना है, हार्म तो करना पड़ेगा, पर किस अमाउंट तक, किस और किस इंटरवेल में, ताकि वो रिप्लेनिश होता रहे, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। पेस्ट प्रेडेटर बैलेंस, ओहो, इसमें क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि यार जो है आप जो ये पेस्ट वगैरह हैं बिल्कुल ख़त्म कर दो तो हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन बस बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। पेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करा सकता, अगर ख़त्म करा तो उसके काफ़ी सारे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स वगैरह होते हैं, वो हम इकोलॉजी में समझते हैं ऐसी जो समझेंगे, पर ये नहीं किया सकता, तो मिनिमम हो, या फिर पेस्ट के जो प्रेडेटर्स हैं, हम तो चाहेंगे कि प्रेडेटर उनको सारा ख़त्म कर दें पेस्ट को, ताकि हमारे क्रॉप हार्म ना हो, लेकिन उसका क्या बैलेंस हो सकता है, ये अच्छी अच्छा एक टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग चीज़ थोड़ी सी इसकी। स्टडी ऑफ सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन एज मीन्स ऑफ ओवरी प्लास्टिक, एक ये बात हो रही है। देखो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह होता है, इसके बारे में आपने जाना होगा क्लास 8th में, एडोलेसेंस में आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में इसके बारे में जाना होगा, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस में, और क्लास 12th में भी आप सीखोगे। अब होता क्या है कि अब ये तो आपकी क्लास की बात हो गई, नॉर्मल लाइफ में भी आप इसके बारे में जानोगे अगर आप गर्ल्स हो और आप क्लास 6th 7th 8th में हो, या 8th 9th 10th में हो, तो आप लगभग जानेंगे इसके बारे में। अब होता क्या है कि मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम होता है, उस समय हम लोग जो है सेंट्रीपेड्स वगैरह यूज़ करते हैं, अब वो किस मटेरियल के बने होते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका कोई ऑप्शन है क्या कि सस्टेनेबल चीज़ें हों। अगर मान लो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं, वो प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं, और हम उन्हें मान लो हम टोमेटो फेंका, या कहीं हमने कच्चे के ढेर फेंका, तो वो कचरा इकट्ठा होता जाएगा, उस वेस्ट को कैसे आप कर सकते हो, तो ऐसा कोई है क्या ऑप्शन अवेलेबल, तो आप उसकी जानकारी कर सकते हो। ये अच्छा एक अच्छा टॉपिक बनाया जा सकता है, गुड टॉपिक, बढ़िया टॉपिक ये। टू स्टडी रोल ऑफ रेन गार्डन इन वाटर रिचार्ज, अभी रेन गार्डन क्या होता है आपको पता है कि नहीं है। देखो सीधी सी बात यह है कि आपका एक ग्राउंड वाटर होता है, उसका एक लेवल होता है, ये बात आपको पता होगी। मान लो आपका घर है ये, और घर में जो है आपको ग्राउंड में ग्राउंड वाटर होता है, और इस ग्राउंड वाटर को हम यूज़ कैसे करते हैं, हम अलग अलग टाइप की मशीन यूज़ करते हैं, कई बार हम बोरवेल लगाते हैं, या कोई भी हम इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं, पर यूटर यूज़ करोगे कब, जब वो होगा तब वो यूज़ आएगा, मान लो पूरा ख़त्म हो गया तो यूज़ कैसे करोगे, कैसे फिल होता है, जब बारिश वगैरह होती है तो ये ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है, मतलब वो फिल हो जाता है।
अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बारिश तो हर साल होती है। प्रॉब्लम इसमें बेटा ये आती है कि आपके जो रोड्स वगैरह हैं, आपके जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, आपकी रोड्स काफ़ी पक्की होती है, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं बचती। आपका घर जो है अंदर से टाइल वगैरह लगी हुई बढ़िया, तो ऐसी कोई जगह होती ही नहीं है जहाँ से ये रेन वाटर जाए और ग्राउंड वाटर को क्या कर दे, वो रिचार्ज कर दे। तो ऐसे गार्डन्स वगैरह बनाए जाते हैं, मान लो ऐसा आपके घर में ऐसा गार्डन बना हुआ है, और उस गार्डन में क्या है ऐसे आउटलेट वगैरह लगे हुए हैं कि जब रेन आएगी तो इसमें एब्जॉर्ब होगा और यहाँ से जो ग्राउंड वाटर जो है क्या होगा, रिचार्ज होगा। मतलब ऐसा सिस्टम है, इसको बोलते हैं मैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो बना सकते हो इस पर। अब प्रॉब्लम ये कि जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप कर पाएंगे इजीली। ये क्या चीज़ है भाई, स्टडी एंड कंपेयर लाइफ स्टाइल ऑफ डिफरेंट। ये अच्छा, विलेज या फिर सिटी में अलग अलग टाइप के जो ग्रुप्स वगैरह कम्युनिटीज़ वगैरह हैं उनमें किस तरीके की लाइफ स्टाइल वगैरह है और उसका एनवायरमेंट क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा टॉपिक बनाया इसका। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मार्केट फोर्सेज। भाई ये मैं आपको क्या बताऊँ, जो ज़बरदस्त A1 क्लास का, टॉप क्लास का जो है वो ये टॉपिक है। आप इस पर बना सकते हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसको आप बना सकते हो। अभी दीपावली आ रही है और या कोई और भी त्यौहार आ रहा है, इजीली बन सकता है। मार्केट फोर्स है ये भाई, जो अभी आप खर्चा वगैरह करते हो, किस तरीके का खाना खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, और उसका पहली बार मार्केट फोर्स का इम्पैक्ट पड़ता है। फिर हमारा जो जो हम जो उसके उसके बेसिस पे जो हम जो एक्शंस लेते हैं उसका जो है इम्पैक्ट। मान लो कि फायर क्रैकर्स है, या फायर क्रैकर्स छोड़ते हैं, मान लो कोई और कोई अलग टाइप के दिए या मोमबत्ती आई है मार्केट पे, अब मान लो 30 साल से वो बिक रहे हैं। दीपावली तो पिछले मान लो काफ़ी हज़ारों सालों से मनाई जा रही है, मान लो कि हम ऐसा मान लेते हैं कि 500 सालों से मनाई जा रही है। पहले तो ये प्रोडक्ट नहीं थे, तो अगर ये प्रोडक्ट नहीं थे तो यूज़ भी नहीं होते थे। अब जो नए प्रोडक्ट हैं हमको बताया किसने, मार्केटिंग ने बताया, हमने वो यूज़ करे, और अगर वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है तो मतलब ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, आप समझ सकते हो इसको। पूरा बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा मैं, हर टॉपिक की छोटी सी बात करूँगा, पर ये आप सिलेक्ट आप कर सकते हो, कीजिएगा आप, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। डिफरेंट टाइम मज़ा भी आएगा इसको करने में और आपका प्रॉफिट मिलेगा। टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर वेरियस फेस्टिवल। भाई बहुत बढ़िया है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त है। 16 और 17 नंबर टॉपिक चूज़ करिएगा, बनाइएगा, इसमें अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया है टॉपिक, तो गजब दिए इस बार, जोरदार टॉपिक है। टू स्टडी ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है, बट इसके लिए आपको पता लगना होना चाहिए बायो कंट्रोल मेथड होते क्या है। सिंपल है कि आपकी जो फसल वगैरह आप ग्रो करते हो उसमें आप पेस्ट वगैरह कंट्रोल करने के लिए केमिकल का यूज़ करते हो। अगर आप केमिकल्स का यूज़ ना करो और लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उनके प्रोडक्ट्स का अगर यूज़ करो, जैसे कि हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन का पेस्ट हो गया, नीम के पत्ते वगैरह हो गए, उसको हम बायो कंट्रोल मेथड, कुछ इवन कुछ बैक्टीरिया हो गए, ये काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है। तो ये आपका बना सकते हो, पर नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। बायो फेंसिंग प्लांट्स साइंटिफिक ट्रेडिशन में, भाई जोरदार, ये एक गजब मिला भाई टॉपिक, ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है समझना जरूरत पड़ेगी। फूड को जो है उसके स्टोर को कैसे प्रोसेस करते हैं, वो अच्छा है। कैसे फूड स्टोर आप करते हो अगर फ्रिज वगैरह ना हो, कौन कौन से मेथड्स हैं, पता लगे किसी घर में कोई मेथड फॉलो हो रहा है, काम का हो सबको पता लगे, अच्छी बात है। ये अच्छा है 20 नंबर आप ले सकते हो। ये क्या है भाई, ये मुश्किल रहेगा थोड़ा सा हमारे, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ये बढ़िया है 20 वाला। 21 भी कुछ खास नहीं है, ले लद्दाख का है। पोली हर्बल मेडिसिन, ठीक है भाई, ये अच्छा है। पोली हर्बल मेडिसिन क्या होता है कि जो ये ट्रेडिशनल पीपल हैं या जो ट्राइबल पीपल्स वगैरह, उनके अपने अपने इवन अभी एक मूवी आई थी प्रिया, अगर आप बच्चों ने देखी होगी, मुझे नहीं पता है अभी देखी होगी नहीं देखी, उसमें एक बच्ची की स्टोरी होती है जो हर्ब्स वगैरह काफ़ी नॉलेज यूज़ होता है। पहले यही जो टॉपिक है ना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के अंदर आता था, अगर आप पुराने थीम सब देखोगे आपने देखा भी होगा, तो सेम चीज़ वही है, वो अलग अलग तरीके से रिपीट होती है। अच्छा टॉपिक है ये, बनाया जा सकता है कि किसी भी कम्युनिटी को नॉलेज है तो वो नॉलेज शेयर किया जा सकता है। मखाना अच्छा। तो भाई ये थे प्रोजेक्ट आइडियाज़ सब थीम 2 के। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सब थीम नंबर 4 की।